हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उस अभिवादन को स्वीकार गृह मंत्री ने किया। तो देखिए थोड़ी देर में, ये देखिए बच्चों से मुलाकात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, कुछ देर पहले ही वो पहुंचे और किस तरह से यहाँ पर मिदनापुर में छोटे छोटे बच्चों के साथ मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए अमित शाह का ये बहुत ही प्यारा सा जेस्चर देखने को मिला। रोड शो से पहले लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। सरफराज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सरफराज, क्या तस्वीरें आप वहां से दिखा पाएंगे? कितनी देर में रोड शो की शुरुआत हो रही है? बिल्कुल, देखिए अमित शाह साहब यहां पर आने वाले हैं। ये चौक है जहां से अमित शाह का ये रोड शो शुरू होगा। तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देख लीजिए, यहां से अमित शाह का रोड शो शुरू होगा। किरानी तला इस इलाके को कहते हैं, चौक को, ये पहला चौक होगा। नानू चौक होता हुआ बरतला की तरफ ये जाएगा और यहाँ पर अमित शाह आने वाले हैं। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये उनका रथ बिल्कुल तैयार है, गाड़ी बिल्कुल सज के तैयार खड़ी है, बड़ी तादाद में वहाँ पर फूल मालाएं हैं, इसमें अमित शाह बैठेंगे। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह से मैं दिखाऊँ, कैमरामैन से कहूँगा कि आइए, ये सामने जो उनकी गाड़ियों का काफिला खड़ा है, ये होटल है, यहाँ होटल में रुके हैं। तकरीबन 300 मीटर के डिस्टेंस पर वो रुके हैं, क्योंकि 3 बजे का उनका रोड शो का टाइम था लेकिन थोड़ा डिले हो गया और यहाँ बड़े लोग आ गए हैं। उनसे भी मैं आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आइए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है। मैम, क्या अमित शाह जी को देखने के लिए आए हैं? जी हाँ, देखने के लिए आए हैं मैं अमित शाह को। हाँ, अच्छा, आप भी अमित शाह जी को देखने के लिए आए हैं? कुछ बोलेंगे? ना उन्हें के मन खूब भालो लगे, ताई देखते ही रहा, हिंदी नहीं है। आप बोलिए, कुछ बोलेंगे हिंदी में? नहीं है, अमित जी के देखने के लिए आए हैं हम लोग। हाँ। तो एक्साइटेड है बहुत, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। अमित शाह जी को देखने के लिए आए, बहुत हैपन, कुछ ही पलों में आ जाएंगे, जैसे आएंगे तो मैं आपको उधर ले चलता हूँ। अमित शाह जी पहुँचने वाले हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं? हम कभी तकलीफ 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, हमारे यशस्वी स्वराष्ट्र मंत्री माननीय अमित शाह जी को देखने के लिए। हम उनका बहुत बड़ी फैन है। हाँ, हमारा मिदनापुर जो एक ऐतिहासिक शहर है, तो हमको हमारा ये सौभाग्य है कि हम ऐसे यशस्वी स्वराष्ट्र मंत्री को अपने चाखूस कर सके, इसलिए हम उसके इंतजार में सुबह 1 घंटे से खड़े हैं। देखिए मैं तस्वीरें दिखा दूँ, जरा एक बार दिखा दीजिए, ये मंच सामने बिल्कुल तैयार हो गया है और जो यहाँ की संस्कृति की है, कलरफुल तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आइए, हालांकि शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, शायद आपको आवाज़ में दिक्कत होगी, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप आइए, ये ज़रा सांस्कृतिक कार्यक्रम की मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को मैं दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर तमाम तरह के रंग हैं, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से अमित शाह अपना रोड शो शुरू करने वाले हैं और इसी रथ पर ये सवार होंगे। अमित शाह यहाँ से सवार होकर वो चलेंगे, 1 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो होगा और यहाँ हर तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। बस कुछ ही पलों में अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले, जब तक अमित शाह आए, मैं आपको कलरफुल तस्वीरें दिखा दूँ। आइए जरा रंजीत, आइए मेरे कैमरामैन, ये तमाम उनके वॉलंटियर यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि दोनों साइड में लोग आने शुरू हो गए हैं, ये देखिए ये डांस कर रहे हैं, अमित शाह जी के लिए डांस कर रहे हैं। हाँ, मोदी दादा है ना। हाँ। उसके लिए डांस कर रहे हैं, कोई नहीं लटका रहा, एकदम बीजेपी सरकार आ रहा है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग तरीके से तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। आइए ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये कलरफुल तस्वीरें देखिए, जरा हटिए मैम थोड़ा सा आगे से, ये देखो, हाय हाउ आर यू, देखो ये तस्वीरें देख लीजिए, ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए, भैया इसको हटाइए जरा, पर्दे को हटाओ, तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, इनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। ये बंगाल के मेदिनीपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ, हट जाइए, ये फोटो खिंचवाते हैं और अपने अंदाज में ये विक्ट्री का साइन भी ये दिखा रहे हैं, मतलब इस तरीके से यहाँ ये आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। हम भी जाएं, थैंक यू, आगे के डांस की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए ये लोग क्या कर रहे हो तुम यार, ये देखिए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, क्या बोलेंगे, आए बार बीजेपी आ रहा है।
बीजेपी आ रहा है, हिम्मत करके आ रहा है। तमाम जो लोग हैं उनसे ही बातचीत करता हूँ। मैडम बताइए, अमित शाह जी के लिए कुछ बोलेंगे? चलिए इनके पास से बात करें, तस्वीर और दिखा देता हूँ आपको। आइए, ये रोड शो की पूरा रोड है। ये डांस दिखाइए, डांस कर रहे हैं, डांस, ये तमाम लोग डांस कर रहे हैं। आगे की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये रोड शो यहाँ से चलेगा, इसी जगह पर पूरा रोड शो होगा। इसी तरीके से पूरे इस रोड के दोनों तरफ माहौल बना हुआ है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि महिलाएं भी यहाँ बड़ी तादाद में हैं। आइए इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। मैम कब से इंतजार कर रही हैं? आधा घंटा हो गया, आधा घंटा देर से बड़ा इंतजार कर रहे हैं। अभी तो आया ही नहीं अभी तो। मोदी जी के माफ कीजिएगा, अमित शाह जी का इंतजार कर रही है। जब तक नहीं आएंगे इंतजार करते रहेंगे। आ गए हैं अब तो आपके पास आने वाले हैं, क्या बोलेंगे आप? क्या बोलना, तो देख ही रहे कितना मतलब यहाँ भीड़ है। आपको समझ में आ रहा है कि इस बार बंगाल का सरकार चेंज हो जाएगा? हम जानते रहेंगे दीदी को। आप बने रहिए हमारे साथ सरफराज, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, और बड़ी खबर कैलाश विजयवर्गीय का। ममता बनर्जी पर बड़ा हमला सामने आ रहा है। वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को बेदाग चुनाव एजेंट नहीं मिला, और नंदीगांव में ममता ने अपराधियों को एजेंट बनाया है। ममता ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने अपराधियों का साथ लिया है, उन्हें बेदाग एजेंट नहीं मिल रहे। सरफराज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। सरफराज, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अपराधियों का साथ लिया जा रहा है, बेदाग चुनाव एजेंट नहीं मिल रहे, क्या मायने इन बयानों के निकाले जाएंगे? क्योंकि पिछला काफी समय ऐसा रहा है जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आती रही है। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, अपना सवाल पूछेंगे क्योंकि शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। सरफराज देखिए, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि बेदाग चुनाव एजेंट नहीं मिल पा रहा है ममता बनर्जी को, और इससे पहले अगर हम देखें तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सबके सामने। देखिए अनुराग, मुझे आपकी आवाज आ रही है टीएमसी को गुंडों को लेकर, तो मैं उसका आवाज जवाब देने चाहूंगा, क्योंकि यहाँ के लोगों में बहुत नाराजगी है, यहाँ के लोगों में बहुत नाराजगी है, और नाराजगी इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या होम मिनिस्टर अमित शाह हो, या कैलाश विजयवर्गीय हो, या दलीप घोष हो, या मुकुल रॉय है, या उसके अलावा और जो भी जितने भी नेता हैं, तमाम लोग जो हैं वो टीएमसी को घेर रहे हैं, ममता दीदी को घेर रहे हैं, गठबंधन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और टोलाबाजी को लेकर तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। और यहाँ की तस्वीरें भी बहुत जरूरी हो जाएंगी दिखानी, क्योंकि इस साइड में से बड़ी तादाद में महिलाएं खड़ी हैं, जो मैं तस्वीरें दिखा रहा था, बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं, और ये तमाम कलबुलर तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कि होली से पहले ये रंग बिरंगी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। मुझे लगता है कि रोड शो शुरू होने से पहले ये पूरा रोड भर गया है, ये रोड शो भर गया है, ये तमाम जो रोड है वो भर गया है, और लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ पर ढोल बजाइए, ये देखिए किस तरीके से यहाँ बजाया जा रहा है, ढोल बजाइए जरा। से शुरू होगा उसका आधा सफर लगभग मैं तय कर चुका हूं, और दोनों साइडों में इसी तरीके से लोग हैं, जगह जगह गुब्बारे लगाए गए हैं, बच्चों में खुशी है। और अब से थोड़ी देर के बाद जब अमित शाह ये रोड शो शुरू करेंगे तो ये पूरा रोड भर जाएगा। ये इसी तरह की तस्वीरें आगे तक चली जाएंगी। जो तस्वीरें हैं मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए जरा आगे की, ये तस्वीरें यहां पर आगे आएंगी, चूंकि आगे थोड़ा सा अगर मैं बढ़ूंगा तो नानू चौक आ जाएगा, नानू चौक से होता हुआ बड़द्दा चौक तक,
यहाँ पर ये पूरा रोड शो खत्म हो जाएगा। आधे रास्ते में पहुँच गया हूँ, वापस मैं जाऊँगा चूँकि मुझे अमित शाह जी को तस्वीर आपको दिखानी होगी। उससे पहले कुछ लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। बताइए अमित शाह के आने से पहले आप लोग खुश हैं, तैयार हैं? हाँ। क्या तैयार है बताइए? बहुत अच्छा है, कैमरा साइड करो, कैमरा। बोलेंगे? बोलिए। क्या बोलेंगे? अमित शाह जी के लिए तैयार हैं? हाँ जरूर। हाँ। इतना तैयार है कि हम ममता दीदी को यहाँ पे हटाएंगे और यहाँ पे सुशासन जरूर गठित करेंगे। तमाम जो लोग हैं, हाँ बोलिए, बंगाल तो पाकिस्तान हो गया, हिंदी हिंदी, ये बंगाल है, बंगाल हिंदी हिंदी, ये वेस्ट बंगाल पाकिस्तान, हिंदी हिंदी, ये इनको हिंदी नहीं आ रही है और मुझे बंगला नहीं आ रही है। बाबा रुक जा रुक जा। ये तमाम जो लोग हैं यहाँ लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत है। सरफराज लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, जब अमित शाह दक्षिण 24 परगना में रैली कर रहे थे, ममता बनर्जी पर वो जमकर बरसे। सुनिए। मैं यहाँ आया हूँ, ममता दीदी को कुछ पूछना चाहता हूँ कि ममता दीदी, आप जरा बंगाल की जनता को जवाब दीजिए, जवाब दीजिए कि ये राज्य में क्या आप घुसपैठ रोकना चाहती है क्या? मित्रों, बंगाल में आप गुंडा राज चाहते हो? चाहते हो गुंडा राज? टोल मनी चाहते हो? एक टोल भाजपा चाहते हो? ये भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो क्या? चाहते हो क्या? ममता दीदी की नजर इस पर ही है, मोदी जी की नजर आपके विकास पर, आपके भविष्य पर है। ममता दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने में पड़ी है और मोदी जी आपका विकास करने के लिए दिन रात लगे हैं। आने वाले दिनों में 1 तारीख को आपको वोट डालने जाना है। क्या कहते हैं, गुंडे मारेंगे? अरे मैं कहता हूं डरना मत, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है इस बार बंगाल के लोगों को रोकने की, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है। निर्भय होकर वोट डालिए, बंगाल के कल्याण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं गारंटी लेता हूँ, कोई गुंडा कोई माँ बहन या भाई को हाथ लगा नहीं पाएगा। मित्रों, हाथ नहीं। तो सरफराज मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सरफराज देखिए, अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो वहां की पश्चिम बंगाल की माताएं बहनें और भाई सभी लोग सुरक्षित होंगे जो अभी सुरक्षित नहीं हैं। सरफराज आवाज पहुंच रही है आप तक? हो सकता है सरफराज तक आवाज ना पहुंच पा रही हो, लेकिन हमेशा रोड शो करने वाले और उस रोड शो की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए उसके अलग अलग रंग, अलग अलग कलर्स, क्योंकि जब भी ये बड़े नेता जाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित होते हैं। और वैसी तस्वीरें इस वक्त आप पूर्वी मिदनापुर से देख पा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। सरफराज अगर आप सुन पा रहे हैं, इससे पहले जब दक्षिण 24 परगना में अमित शाह थे तो उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी भतीजे पर निशाना साधा। क्या इस तरह की बातें वो कह सकते हैं आज के इस रोड शो के दरमियान या उसके बाद? बहरहाल वो